हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। ईडी एवरीबडी में आपका स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लाइक नहीं किया हुआ, कमेंट नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर्स की नीड है। मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं हो रहा है क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो अगर आपको कंटेंट वाकई पसंद आ रहा है, आप लोग देखते हो, आप लोग कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग को पढ़ा था, उसके कुछ मेथड्स भी देखे थे। आज हम लोग सर्च मेथड को देखने वाले हैं, जो कि हम लोगों को आगे बहुत काम आने वाला है। जैसे हम लोग सर्चिंग वगैरह करते हैं, ओके, अपने डाटा को फिल्टर आउट करते हैं, तो उसमें सीए कई किसी न किसी तरीके से काम में आएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। तो हम लोगों ने ये सारे मेथड्स देख लिए थे, आज हम लोग ये देखेंगे इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ, क्योंकि ये काफ़ी डीप वाला है, इसको अच्छे से समझना है आप लोगों को। तो हम लोग केवल दो कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दो तीन और कवर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा कवर करेंगे। तो चलिए, पहले तो इन दोनों को समझते क्या है, तो उसके लिए हमने वीएस कोड खोलेंगे। मैंने वीएस कोड खोल लिया है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइल बनाई हुई है स्ट्रिंग डॉट जे एस, ये फंक्शन है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डॉट जे एस को मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगा, ओके। ये हमारी यहाँ पे फाइल अटैच हो चुकी है, तो मैं अपना सर्वर भी स्टार्ट कर लूँगा। और सर्वर स्टार्ट हो जा, बम बम बोले, या सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पहले तो मुझे क्या चाहिए। पहले तो मैंने बोला कि लेट एस इज इक्वल्स टू, मैंने बोला कि भैया मेरे राखी के बंधन को, भैया मेरे राखी सावन कहाँ से आ गई, राखी सावन कहाँ से आ गई, राखी सावन, राखी 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 राखी, ये कुछ, ये बस मैंने ऐसे डमी से ले लिया है। तो उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या ले लिया हुआ है, ओके। आप कुछ भी ले सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन एस। अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँ और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ, तो ये हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम कुछ तो है, कुछ तो होगी प्रॉब्लम। भैया मेरे राखी सावंत कहाँ से आ गई, आई आ गई, ओके, राखी राखी। तो मैं इसको ज़रा एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और ये अभी भी नहीं आ रहा है, तो समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। देख लेते क्या है, स्ट्रिंग डॉट जे एस, स्ट्रिंग डॉट जे एस के बाद, ओके, अब मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, मैं ऐसे जाऊँगा, मैं ऐसे आऊँगा, ऐसे आऊँगा, ऐसे आऊँगा, ओके, आ गया, ये हमारा आ चुका है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा क्या आता है, सबसे पहले मेरा आता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंसोल में प्रिंट करूँगा, ओके, कंसोल डॉट लॉग एस। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, F12 दबाऊँगा, ये मेरा खुल चुका है, खुल जा सिम सिम, खुल चुका है, ये मेरा आ चुका है। अब मैं राखी को ढूंढना चाहता हूँ। मान लो मैं राखी को ढूंढना चाहता हूँ, राखी सावंत को नहीं ढूंढना चाहता हूँ, मैं राखी को ढूंढना चाहता हूँ। मैंने बोला है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, राखी राखा, ओके, राखी। तो मैंने क्या बोला, एस डॉट इंडेक्स, ओके, एस डॉट इंडेक्स ऑफ किसका इंडेक्स, मैंने बोला राखी का, राखी, ओके। अब देखो क्या देगा ये मुझे, ये मुझे क्या दे रहा है, 12। अब 12 कैसे दे रहा है, देखो देखो, 0, ये इंडेक्स गिनना, क्योंकि मैंने लिखा इंडेक्स ऑफ, तो मेरे को इंडेक्स चाहिए, तो गिनो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 से स्टार्ट, इसलिए इसने 12 देख लिया, इसने बोला कि 12 पे राखी है, ओके। अब मैं इसको अगर ये लिख दूँ आर, तो ये केस सेंसिटिव है, मतलब क्या है कि ये वाला और ये वाला राखी दोनों सेम नहीं है। मैं करूंगा तो ये दे रहा 40, क्योंकि 40 नंबर पे राखी, ये वाली राखी एग्जिस्ट कर रही है। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ का क्या मतलब है, मैंने बोला लास्ट इंडेक्स ऑफ राखी। अब आप मान लो अभी मैंने स्मॉल आर किया, ओके, अब मैंने बोला राखी, अब कैपिटल आर। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेरे को पूरे सेंटेंस में जहाँ पे बड़ी वाली राखी, मतलब बड़ी वाली कैपिटल आर वाली राखी मिल रही हो, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। मतलब क्या है इसका, मान लो अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल आर कर दिया, ओके, एक ये भी राखी है, एक ये भी राखी है, और एक ये भी राखी है, तो हमें कौन सा राखी मिलेगी, तीन राखी हैं, आप लोगों को जो पसंद हो वो ले लो, तो तीन में से कौन राखी आपको मिलेगी, नहीं पसंद के हिसाब से नहीं होगा, इसमें हमें रिटर्न करेगा ये वाली राखी, क्योंकि मैंने बोला कि इसकी लास्ट वैल्यू दो, मतलब पूरे सेंटेंस में राखी जहाँ पे लास्ट में हो, नहीं नहीं मैटर करता है कितनी सारी राखियाँ हैं, लेकिन मुझे तो लास्ट वाली चाहिए, मेरी तो लास्ट वाली ही है, मतलब लास्ट वाली राखी मेरे को चाहिए। तो इसकी इंडेक्स कौन सा होगा, इसका इंडेक्स है 52, तो ये हमें 52 दे रहा है। समझ में आ गया कि सेंटेंस में कितनी भी राखियाँ हो,
लेकिन हमें कौन सी राखी मिलेगी, हमें राखी मिलेगी वही वाली जो सबसे लास्ट में एग्जिस्ट कर रही हो। और मैं बताता हूँ, देखो जब मैंने लास्ट इंडेक्स लिखा तो सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, लास्ट से स्टार्ट होगी, यहाँ से। ये ऐसे ऐसे सर्च करेगा, बोलेगा अच्छा अरे भाई मेरे को तो राखी मिल गई, पर वैल्यू यहाँ से रिटर्न नहीं होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं, ये ढूंढेगा, ये बोलेगा मेरे को राखी मिल गई है। फिर जहाँ पे इसको राखी मिली फिर वैल्यू स्टार से कैलकुलेट होगी, और यहाँ पे जो भी इंडेक्स आ रहा होगा वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। मतलब सर्चिंग कहाँ से होती है, लास्ट में, लेकिन जो वैल्यू होती है वो आप लोगों की स्टार से ही मिलेगी। आप लोगों, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो मैंने बोला 10। अब 10 का क्या मतलब है, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि अब राखियाँ जितनी भी हो, राखियाँ जितनी भी प्रेजेंट हो इसमें, मान लो मैंने इसको स्मॉल कर दिया, राखियाँ जितनी भी प्रेजेंट हो लेकिन 10th इंडेक्स के बाद वाली जो राखी है वो मेरी है। ओके, क्योंकि इंडेक्स ऑफ क्या देता है, इंडेक्स ऑफ पहला अक्रेंस, पहला बार में आपका जो स्ट्रिंग मैच हो गया, मतलब पहली पहले इस सेंटेंस में जो पहली राखी है अगर उससे मैच हो गया आप लोग, आपका लिखा हुआ राखी, इसका मतलब क्या है कि वो आपको इंडेक्स दे देगा वो वाला। ओके, जैसे यहाँ से इसने स्टार्ट किया, इसको पहली राखी मिल गई, तो आगे चेक नहीं करेगा, ये आगे नहीं चेक करेगा कि आगे राखी है कि नहीं है, नहीं, जो उसको फर्स्ट फर्स्ट पहले नज़र में जो उसको पसंद आ गया वो उसको, वो उसकी वैल्यू दे देगा। भाई लगता है आपके प्यार में गिर गई अब मैंने लिखा 10। अब क्या, मैं 10 का क्या मतलब है, अब देखो दोनों में देखो डिफरेंस आ रहा होगा, इस बार डिफरेंस आया, पहले था 17 अब आया 18, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक बार दोबारा गिनता हूँ, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18, 18 पे राखी कर रहा है, क्योंकि इस बार इसको 10th इंडेक्स के बाद की राखी ढूंढनी है, और 10th इंडेक्स के बाद की वाली एक ही राखी एग्जिस्ट कर रही है, वो है 18 पोजीशन पे, वो है 18 इंडेक्स पे। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, अब आप लोगों को पूरी स्ट्रिंग में ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है ना उसके बाद वाली, उसके बाद से सर्चिंग स्टार्ट करो, जहाँ पे राखी मिल जाए पहली बार में वो मुझे दे दो। अब लास्ट इंडेक्स का मतलब है, देखो लास्ट इंडेक्स का मतलब सिंपल सा इतना है कि अब इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई 10, मतलब अब 10 इंडेक्स के बाद, मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पे 40, अब इसको 40 इंडेक्स के बाद जितनी भी राखियाँ हैं वो दे दो। मैंने क्या बोला था, सर्चिंग पीछे से स्टार्ट होती है, सर्चिंग पीछे से स्टार्ट होती है, तो इसकी बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू थी जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा था वो था 0। यहाँ पे इसकी बाई डिफॉल्ट क्या वैल्यू है, 0। यहाँ पे इसकी बाई डिफॉल्ट क्या वैल्यू है, इसकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी लेंथ, एस डॉट लेंथ, देखो अभी देखो सेम वैल्यू आपको मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे मैंने दे दी 10, अब यहाँ पे मैंने एस डॉट लेंथ नहीं दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लास्ट से लास्ट, तो मैंने यहाँ पे माइनस बन दूंगा। ओके, अभी देखो सेम आएगा। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने बोला कि लास्ट इंडेक्स से शुरू करो, मतलब यहाँ से शुरू करो, अब मैंने बोला 40 से शुरू करो, अब मान लो 40 इसकी, इस आर की क्या वैल्यू है, इस आर की वैल्यू है यहाँ पे 52, इसका मतलब क्या है, ये इंडेक्स हमारा 52 है, तो मैं यहाँ पे अगर 52 दे दूँ, 52, अब मैंने क्या बोला कि 52 से सर्च करो, मतलब ये अब यहाँ से सर्च करेगा, यहाँ से, तो ये देखो 52, देन 50, 49, 48, 47, 46, 45, मतलब ये हमें वैल्यू देनी चाहिए अप्रॉक्स 45, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमें देगा 45, लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल आर है, तो हमें कैपिटल आर अगर हम लिख देते हैं तो हमें देगा यहाँ पे 52, है 52, 52 का क्या मतलब है, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ये लास्ट से सर्च करेगा, ये लास्ट से सर्च करेगा और ये देखेगा 52, ये देखेगा क्या 52 पे इसको राखी मिल रही है, हाँ राखी मिल रही है, तो ये इसने दे दिया हमें 52। अब मान लो मैंने कर दिया 50, अब 50 का क्या मतलब है, ये वाली, ये आई, तो अब ये पीछे जाएगा और देखेगा कि कौन से पोजिशन पे हमको राखी मिल गई है, तो ये है 50, देन 59, 58, 57, 56 है शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, सॉरी 46, 46 है हमारा। ओके, 50, देन ये 59, 58, 57, 46, अगर मैं स्मॉल आर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, अभी पीछे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, इसको यहाँ पे मिलेगी यहाँ पे, और ये इसकी, इसका इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 17, 18 है। ओके,
आई होप ये आप लोग क्लियर होगा। इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग से इंडेक्स करता है। लास्ट इंडेक्स क्या है, लास्ट से सर्च करेगा जहाँ पे इसे पहली वैल्यू मिल जाएगी, वो इंडेक्स नहीं रिटर्न करेगा, फिर वैल्यू कैलकुलेट होगी स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से जो उसका इंडेक्स होगा वो रिटर्न होगा। फिर इंडेक्स ऑफ में अगर मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ तो मतलब इस बार सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू से। लास्ट इंडेक्स में अगर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ इसका मतलब क्या, सर्चिंग स्टार्ट होगी उस पर्टिकुलर इंडेक्स से। लेकिन हमेशा जो आपको इंडेक्स है ना वो हमेशा जीरो जीरो बेस इंडेक्स से ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर्चिंग लास्ट से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट से आप वैल्यू को देख लो कि जीरो, अरे तो जीरो हो गया, ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, नहीं, हमेशा स्टार्टिंग से ही आप लोगों को इंडेक्स वैल्यू मिलेगी। लेकिन सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट होनी है वो एज अ सेकेंड पैरामीटर आप लोगों को इंडेक्स वैल्यू देनी है, तो बाई डिफॉल्ट जीरो होती है। और यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या है, इसकी लेंथ है। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।